नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपको आपका अपना यूट्यूब चैनल मनोज जिला ब्लॉग्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। शुक्रिया दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो जो कि पूरी बीच और पूरी बीच पे लगने वाली छोटी छोटी दुकानें के ऊपर था, आप लोगों ने काफी प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जिन दोस्तों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, मैं अपने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस आई बटन में दे दिया हूं। आप लोग चाहो तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखकर उस वीडियो को एक बार देख सकते हो। दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरी बीच में लगने वाली नाइट मार्केट और साथ में बीच के ऊपर और रास्ते के आसपास लगने वाले फूड स्टॉल को दिखाया था। तो आप लोग अगर पूरी घूमने के लिए गए हो तो कोणार्क सन टेम्पल नहीं गए तो आपका पूरी ट्रिप अधूरा है। दोस्तों, मैं आज आपको पुरी से कोणार्क सन टेम्पल बाय रोड स्कूटी की जर्नी को दिखाऊंगा और रास्ते की जानकारी दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा, तो आप प्लीज मेरे इस वीडियो में आखिरी तक बने रहे। तो चलिए जर्नी को स्टार्ट किया जाए। जय जगन्नाथ। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। शायद आपको देखकर ऐसा लग रहा हो जैसे अभी शाम के 5 बज रहे हैं। आज का वेदर काफी सुहाना है। कल रात से ही काफी बारिश हो रही थी। हम लोग का प्लान था सुबह 4 बजे निकलने का, मगर बारिश के कारण हम लोग निकल नहीं पाए। निकलते निकलते 8:30 बज गया। उड़ीसा की सांस्कृतिक राजधानी पुरी कई मायनों में खास है। मंदिरों का शहर कहे जाने वाला यह जगह दुनिया में एक अलग ही स्थान रखता है। कहा जाता है यहाँ पर साल के 12 महीनों में 13 त्यौहार मनाए जाते हैं और हर एक त्यौहार को मनाए जाने का अपना अलग ही अंदाज है। दोस्तों, यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पुरी से कोणार्क जाने के लिए वीकेंड का इंतजार करना नहीं पड़ता। आप सप्ताह के किसी भी दिन पुरी से कोणार्क सन टेम्पल की यात्रा कर सकते हो। पुरी से कोणार्क सन टेम्पल की दूरी मात्र 36 किलोमीटर की है, जिसे आप बाय रोड स्कूटी के माध्यम से 1 से 1.5 घंटे में पूरा कर सकते हो। इस आइलैंड से हमें राइट साइड लेना था, हम लोग भूल से आगे निकल गए। जैसे ही हमें महसूस हुआ, हम लोग यू टर्न लेकर सही दिशा में निकल पड़े। दोस्तों, पुरी से कोणार्क सन टेम्पल कैसे जाए? पुरी से कोणार्क सन टेम्पल बाय रोड आप बस, प्राइवेट टैक्सी और बाइक रेंट के माध्यम से जा सकते हैं। बस दोस्तों, पुरी से कोणार्क सन टेम्पल और पुरी के अन साइट सीन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है
टूरिस्ट बस। आप अगर टूरिस्ट बस बुक करना चाहते हो तो एक दिन आगे पुरी के गोल्डन बीच के आसपास आपको काफी सारे टूर एजेंट काउंटर मिल जाएंगे, जहां से आप पुरी के साइट सीइंग के लिए बस बुक कर सकते हो। टूरिस्ट बस का किराया नॉन एसी 200 रुपए, एसी 400 रुपए है, जिसमें ये आपको पुरी के 6 बेस्ट साइट सीइंग कराएंगे। पहला चंद्रभागा बीच, दूसरा कोणार्क सन टेंपल, तीसरा धौलीगिरी, चौथा लिंगराज टेंपल, पांचवा खंडगिरी उद्यान, छठा नंदन कानन जू। प्राइवेट टैक्सी। दोस्तों, पुरी से कोणार्क सन टेंपल के लिए प्राइवेट टैक्सी का चार्ज सीजन के अनुसार 1500 रुपए से 2000 रुपए तक लगता है। तीसरा ऑप्शन बाइक। दोस्तों, आप लोग बाइक से भी पुरी से कोणार्क सन टेंपल की यात्रा कर सकते हो। पुरी से कोणार्क सन टेंपल के लिए आपको रेंट में बाइक दिन के हिसाब से ले सकते हो। पर डे के चार्ज पर यहाँ पे 400 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की बाइक आपको मिल जाएगी। कहा जाता है, जब सड़कें मौजूद नहीं थी तब लोग पुरी तक पहुंचने के लिए जानवरों द्वारा बनाए गए वाहनों से यात्रा करते थे। मराठा शासन काल के दौरान लगभग 1790 ईस्वी पूर्व में भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए सड़क बनाए गए थे, जिसे उस समय के लोग पैदल और वाहनों से पूरा करते थे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1898 ईस्वी में कलकत्ता से पुरी के लिए रेल ट्रैक बनाया था। वर्तमान समय में पुरी बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय एयर के माध्यम से अच्छी तरह जुड़ चुकी है। दोस्तों, इस नजारे का क्या कहना। पेड़ों से बना नेचर टनल प्रकृति के होने का एहसास पल पल समझाती है, और साथ में ये रास्ता आपके अंदर अलग एहसास को जिंदा करती है। दोस्तों, आप इतना दूर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी पसंद आया होगा। तो दोस्तों, उस पसंद को ख्याल में रखते हुए प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण है।
शुक्रिया दोस्तों मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव या पसंद आया हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में अपने दोस्तों और परिवार के सदस्य के साथ शेयर करना ना भूले और मेरे से हुई किसी भी तरह की गलती को माफ करें और अपना महत्वपूर्ण कमेंट कर मुझे बेहतर करने की सलाह दें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।